आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग कंपाइलर बॉट कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैंने एक कोड यहां पर सेंड किया है और उसको रिप्लाई में ये सीसी लिखा है। ये सीसी कमांड से क्या हुआ कि इसने उसको कंपाइल कर दिया। ये यहां से पूरा यहां तक ये सी का कोड है जो कि मैंने इस सीसी कमांड से एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पर इस बॉट में कई सारी कमांड हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर मैंने कई बार एग्जीक्यूट किया है और कई सारी लैंग्वेजेस का कोड इसमें एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसमें हम रियल टाइम इनपुट्स भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि कुछ भी इनपुट लेना कीबोर्ड से, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। अगर आपको ये बॉट बनाना है, यानी इस बॉट का सेटअप खुद से करना है, यानी अपना खुद का बॉट बनाना है, तो इसका मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक से आप इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, ये वाला लिंक है github.com/pandit-siddharth/compilers। ये लिंक है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जब इस लिंक से आ जाओगे यहाँ पर, तो आपको ये GitHub रिपोजिटरी मिलेगी जिसमें आप इसका सारा प्रोसेस देख सकते हो कि इस बॉट को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो लिखा है हाउ टू सेटअप। तो इस बॉट को सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन है क्रिएट योर बॉट ऑन टेलीग्राम। इसको थोड़ा अपेंड करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप वन में है गो टू बॉट फादर ऑन टेलीग्राम। यहाँ पर सबसे पहला वाला स्टेप है गो टू बॉट फादर ऑन टेलीग्राम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चले जाते हैं। ये देखो, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आपको लिखना है बिना स्पेस के। तो यहाँ पर आपको ये बॉट फादर मिल जाएगा ब्लू टिक के साथ में। अब इस बॉट फादर में आप अपना नया बॉट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू बॉट कमांड देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये न्यू बॉट कमांड यहाँ पर भी दिख जाती है, चाहे तो आप वहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो या फिर ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख के न्यू बॉट सेंड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर मैंने न्यू बॉट कमांड सेंड करी तो इसने मुझसे पूछा कि अपने नए बॉट का क्या नाम देना चाहते हो। तो मैंने इसको लिख के भेजा सिड का कंपाइलर बॉट, ये नाम देना चाहता हूँ मैं अपने नए बॉट का। तो इसने कहा गुड, अच्छा अब ये दूसरा सवाल पूछ रहा है कि नाउ लेट्स चूज़ अ यूज़र नेम फॉर योर बॉट, इट मस्ट बी एंड इन बॉट लाइक दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने बोला है कि टेरिस बॉट और टेरिस बॉट ऐसा कुछ भी होना चाहिए। तो इन्होंने जैसे बोला वैसा ही मैं यूज़र नेम यहाँ पर सेंड करूँगा, जैसे कि सीड का कंपाइलर बॉट। तो यहाँ पर देखो, मेरे लास्ट में बॉट मैंने लिखा है सीड का कंपाइलर, और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए और ये यूनिक होना चाहिए, यानी पहले से ये बॉट नहीं बना होना चाहिए। अगर किसी ने पहले से बना करके रखा होगा तो ये आपसे कहेगा कि ये बॉट का यूज़र नेम पहले से ही किसी ने लिया हुआ है, आप अपना दूसरा चूज़ कीजिए। जब आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखो ये टोकन मिलता है, और साथ ही में ये आपके बॉट का लिंक मिलता है। इस बॉट के लिंक पर जाकर के आप अपने बॉट को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ और इसको कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बॉट टोकन है, ये देखो मेरा इतना बॉट टोकन है, इस नंबर से लेकर इस 4 तक। आप इस पर थोड़ा देर तक प्रेस करोगे तो ये अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। मेरा यहाँ पर स्टेप वन कंप्लीट हो गया, जो कि था कि बॉट टोकन को मुझे प्राप्त करना है। तो ये मेरा स्टेप वन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, स्टेप टू। तो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और यहाँ पर स्टेप टू को ओपन करता हूँ। स्टेप टू में क्या है कि मुझे मिस रोज बॉट पे जाना है, और मिस रोज बॉट पे जाकर के मुझे इन्फो कमांड सेंड करनी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ मिस रोज बॉट, तो ये बॉट ये देखो आ गया, मैंने पहले से सेंड की थी। इस पे जा कर के आप जैसे ही यहाँ पर इन्फो सेंड करोगे तो ये देखो आपको ये वाली आईडी आपकी मिल जाएगी। ये आप आईडी अपनी कहीं पर रख सकते हो। तो चलो मैं वो बॉट टोकन और ये आईडी दोनों यहीं पे रख लेता हूँ। यहाँ से ये बॉट टोकन ले लेता हूँ, कॉपी करूँगा इसको और वहीं पर मिस रोज बॉट पर रख लेता हूँ। तो मुझे मेरी दो चीज़ें मिल चुकी हैं, यानी मेरे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं।
तो इसको भी मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी हम जान लेते हैं कि टर्मुक्स को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो टर्मुक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप चाहे तो एंड्रॉयड की वेबसाइट पर जा सकते हो या तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। पहले ये प्ले स्टोर पर इसका ओल्ड वर्जन ही अवेलेबल था, लेकिन अभी इन्होंने टर्मुक्स का नया वर्जन रिलीज़ कर दिया है प्ले स्टोर पर, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहले सिर्फ एंड्रॉयड पे ही इसका नया वर्जन अवेलेबल था, और उसके बाद में आपको टर्मुक्स में ये कमांड्स रन करनी है। तो यहाँ पर मैं ये सारी कमांड्स को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, और सारी कमांड को कॉपी करने के बाद में टर्मुक्स में जा कर के पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं उनको पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा। इंटर करते ही ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा समय लेगा सारी चीज़ें इंस्टॉल करने में, और आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये इसका इंस्टॉलर मुझे ऐसे स्क्रीन दिखा रहा है। सबसे पहले तो इसका लोगो दिखा रहा है, उसके बाद में बता रहा है कि Node.js इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता Node.js तो ये इंस्टॉल कर लेता, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको ये इंस्टॉल कर लेता है खुद से ही, और जो रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं हैं जैसे कि जो ऑप्शनल है जैसे कि पाइथन जावा ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा कि क्या आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो अगर आप चाहो तो इनको यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम में पहले से ही Node.js और पाइथन इंस्टॉल है, और मैं नहीं चाहता कि और कोई चीज़ मैं इंस्टॉल करूँ जिससे कि मेरा समय बढ़े। तो यहाँ पर मैं वाई कर देता हूँ, नहीं एन कर देता हूँ, एन से मतलब नो, नो पूरा लिख देता हूँ नो। जावा को मैं नहीं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और मेरे में गो भी इंस्टॉल है पहले से। तो मेरे में तीन चीज़ें पहले से इंस्टॉल थी, और ये यहाँ पर अब सारा सेटअप कर रहा है। ये देखो अपने आप ये सारा सेटअप कर रहा है। जब ये पूरा सेटअप कर लेगा तो ये अपने आप रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये मुझसे बॉट टोकन पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर योर बॉट टोकन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेलीग्राम पे जाऊँगा। यहाँ पर मैंने अपना बॉट टोकन सेव करके रखा था, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा एक बार। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये कह रहा है प्लीज़ एंटर अलाउड टेलीग्राम यूज़र आईडी इज़ कॉमा सेपरेटेड। तो मैं सिर्फ अपनी ही आईडी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी और की भी आईडी देनी होती तो मैं क्या करता कि उसकी आईडी लेकर के और यहाँ पर कॉमा लगाता और उसके बाद में उसकी आईडी को पेस्ट कर देता। तो ऐसे करके मैं कई सारी आईडीज़ ऐड कर सकता था जिनको मुझे अपने टेलीग्राम बॉट का एक्सेस देना है। अब यहाँ पर एंटर करूँगा तो देखो स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा है, और ये जनरेट कर दिया, और ये यहाँ पर स्टार्ट भी हो गया। आपको जैसे ही ये रेड स्क्रीन आ जाए समझ लेना कि आपका बॉट अभी रन हो रहा है। अब देखते हैं कि मेरा बॉट रन हो रहा है कि नहीं। तो मैं अपने बॉट को स्टार्ट करता हूँ, ये देखो मेरा बॉट रन हो रहा है। यहाँ पर अब मैं कुछ भी रन कर सकता हूँ जैसे कि पाइथन, तो यहाँ पर पाई के बाद में प्रिंट, और पाइथन से कुछ भी प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ जैसे कि हाय। ये देखो यहाँ पर ये पाइथन से मैंने प्रिंट करके दिखा दिया, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। कुछ भी कोड मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कहीं से कोड उठा लेता हूँ, जैसे कि इस चैनल से मैं सी वाले कोड्स उठाता हूँ या फिर सी प्लस प्लस के। तो मैं इसमें से देखता हूँ एक सी प्लस प्लस का कोड मिल जाए तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूँ। ये देखो ये वाला कोड मिला है, मैं इसको कॉपी करूँगा, अपने बॉट पे आऊँगा यहाँ पे पेस्ट, और इसको रिप्लाई करके सी प्लस प्लस है ना कोड, तो इसको सी पी पी कमांड से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो मुझसे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो मैं फर्स्ट नंबर एंटर करूँगा। अब सेकेंड, मैं नहीं चाहता कि ये दूसरा कोई एंटर करूँ।
इसको कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखना था, तो मुझे अभी इस पर स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा एन। ये देखो इसने 2, 4 और 5 को ऐड कर दिया, ये मल्टीपल नंबर एडर कोड था। तो ऐसे करके आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसको बंद कैसे करोगे, इस सर्वर को, यहाँ पर अपने अगर सर्वर को बंद करना है तो कंट्रोल और सी, यानी कंट्रोल के बाद में सी ये प्रेस कर देना है आपको। तो ये देखो यहाँ पर आपका सर्वर बंद होगा। और जब भी आपको ये कोड दोबारा रन करना हुआ होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे CD, ये वाला सिंबल, और इसके बाद में ये कंपाइलर। इसको करने के बाद में आपको लिख देना है node index.js। तो ये देखो आपका फिर से ये बॉट स्टार्ट हो गया। जब भी आपको बॉट को बंद करना हो तो यहाँ पर कंट्रोल सी, और जब भी आपको बॉट को स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे CD और ये ऐसे कंपाइलर, और उसके बाद में यहाँ पर node index.js। तो ऐसे करोगे जैसे ही, तो ये आपका बॉट रन होने लगेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।